मध्य प्रदेश के 46 नगरीय निकायों के चुनाव चल रहे हैं। इनमें पार्षदों को जिताने के लिए भाजपा कांग्रेस दोनों दलों के नेता जोर लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से सीएम शिवराज सिंह ने प्रचार की कमान संभाल रखी है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अलग अंदाज देखने को मिला। उन्होंने हेलीपैड से ही मोबाइल फोन के माध्यम से ही सभा को संबोधित किया। असल में मौसम खराब होने के चलते वे सभा स्थल पर नहीं जा पाए। इससे पहले छिंदवाड़ा के दमुआ की चुनावी सभा में सीएम ने कहा कि आपने सांसद विधायक नहीं दिया, कम से कम पार्षद तो दे दो। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में सभाएं की, सीएम ने दमुआ सौंसर में सभाएं की। उन्हें बालाघाट के कैंदा टूला और मलाजखंड भी जाना था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते सीएम का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया। इसके बाद सीएम ने हेलीपैड पर खड़े होकर मोबाइल के जरिए ही मलाजखंड और कैंदा टूला में आयोजित मुख्यमंत्री जनसेवा शिविरों को संबोधित करना शुरू कर दिया। सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि जनता को योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों में ना जाना पड़े, उनके पंचायत में ही शिविर लगे, पूरे अधिकारी और सरकार आए और जनता को लाभ दे। इसलिए आपके यहाँ सीएम जनसेवा शिविर लगाया गया है। इसमें जो आवेदन आए हैं उन आवेदनों को एक एक करके छांटेंगे और जितने पात्र हितग्राही है, चाहे वो राशन की योजना के हों, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के हों, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के हों, चाहे वो सीएम और पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के हितग्राही हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की योजनाएं हो, लाडली लक्ष्मी का लाभ हो, आवास की समस्या हो, जितने भी आवेदन आपके आए हैं ये सारे आवेदन छांटे जाएंगे और विभाग बार फिर छांट के जो जो पात्र हितग्राही है उन सबको लाभ दिया जाएगा आपके गांव में दूसरा शिविर लगा के।